नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूर्नामेंट के बारे में जो बिहार के खिलाड़ियों और क्रिकेट लवर्स को उत्साह से भर देगा। जी हां, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन IPL की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन करने जा रहा है, जिसके बाद अब बिहार के जो भी युवा सचिन विराट जैसे बल्लेबाजी का हुनर रखते हैं, साथ ही जो युवा जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजी का सपना देखते हैं, उनके लिए यह मौका किसी सपने से कम नहीं है। इस मौके के माध्यम से अब ऐसे युवा अपने खेल की प्रतिभा को दर्शा सकते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि BCA के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद अब बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ी जल्द ही रंगीन जर्सी पहने चौके छक्कों की बारिश करते नजर आएंगे। बिहार और झारखंड जब से अलग अलग राज्य बने हैं, तब से क्रिकेट की चमक बिहार में फीकी पड़ गई थी। सालों से बिहार के बेहतरीन खिलाड़ियों को झारखंड का रुख करना पड़ रहा था, जिसमें ईशान किशन और अनुकूल रॉय जैसे कई नाम शामिल है। हालांकि अब जो मैच का आयोजन हो रहा है, इससे बिहार के खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलने वाला है। आपको बता दें कि यह टूर्नामेंट 21 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च तक जारी रहेगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। बिहार के इस IPL में कुल 13 मैच का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 10 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल है। BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हम लोग इस टूर्नामेंट को 7 दिनों तक करवाने वाले हैं, जो कि बिहार का अब तक का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन होने वाला है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कर रही है और इसमें उनका साथ दे रही है एलीट स्पोर्ट्स बैंगलोर, जिसको लेकर एलीट स्पोर्ट्स के MD निशान दयाल ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में आयोजित होने वाला यह 7 दिवसीय टूर्नामेंट T20 लीग के स्टाइल में होने वाला है। BCL यानी बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया जाएगा, जिसमें आरा, गया, भागलपुर, दरभंगा और पटना शामिल है, और इसमें यही 5 टीम हिस्सा भी लेंगी। इन टीमों के नाम है आरा एवेंजर्स, गया ग्लेडियर्स, भागलपुर ब्लूज, दरभंगा डायमंड्स और पटना पायलट्स। 5 टीम के अपने फ्रेंचाइजीज होंगे। 7 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के लिए नीलामी की प्रक्रिया 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें 100 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यही नहीं, इस टूर्नामेंट के मैचों का लाइव टेलीकास्ट एक ग्लोबल स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके स्टार खिलाड़ी सनत जयसूर्या, वेंकटेश प्रसाद, तिलक रत्ने, दिलशान, रूप प्रताप सिंह और डैनी मॉरिसन 5 टीम के मेंटोर और कोच के रूप में काम करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर यह बिहार के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएगी और बेहतर क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और ये बिहार के लिए गौरव की बात भी होगी। और भला अपने समय के इन दिग्गज खिलाड़ियों से कौन सीखना नहीं चाहेगा, जब ये दिग्गज खिलाड़ी बिहार की धरती पर बिहार के युवाओं को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के गुर सिखाने उतरेंगे तो वो माहौल अकल्पनीय होने वाला है। BCA अध्यक्ष ने कहा है कि ये अब तक का बिहार का सबसे बड़ा क्रिकेट का आयोजन होगा। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस चाहिए इस टैलेंट को समझने वाला और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, और बिहार क्रिकेट लीग निश्चित रूप से इस कड़ी में एक सार्थक प्रयास है। इसके लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बधाई के पात्र है। आपको बता दें, पटना मोइनुल्लक स्टेडियम में एक वक्त ऐसा था जब इंटरनेशनल मैचों का आयोजन देखने को मिलता था, हालांकि साल 1986 के बाद से इस स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का आयोजन ही नहीं करवाया गया है। हालांकि अब एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिहार में खिलाड़ियों की प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन सही मंच नहीं मिलने के कारण बिहार की प्रतिभा समय के परत में कहीं ढककर गुम हो जाती है। हालांकि BCA की इस खास पहल से बिहार के युवाओं को खास उत्साह मिला है, जिसके बाद अब युवा खिलाड़ी भी बड़े मुकाम को हासिल करने का जज्बा एक बार फिर से देख सकते हैं। एक मैच को रोमांचक बनाने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन अपने काम में जुटी हुई है। इस मैच के आयोजन को लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका है। इसके साथ ही BCA इस टूर्नामेंट के प्रचार प्रसार में भी जुट गई है, ताकि इस खेल के बारे में बिहार के कोने कोने में लोगों को खबर दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस मैच के साक्षी बने। बिहार में खिलाड़ियों की प्रतिभा दिखाने का कोई मंच ही नहीं मिलता था, लेकिन अगर BCL की सफलतापूर्वक शुरुआत होती है तो बिहार से निकलने वाले खिलाड़ियों का डंका पूरे देश दुनिया में बोलेगा। इतना ही नहीं, अब बिहार के खिलाड़ियों को किसी अन्य राज्य पर भी निर्भर नहीं करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में खिलाड़ियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और उन्हें खेलने के लिए पर्याप्त प्लेटफॉर्म भी बिहार में
जरूर मिले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बीसीए की तरफ से बिहार के खिलाड़ियों के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट में भविष्य के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा या नहीं, इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।